तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप लोगों का मेरे इस नए वीडियो में। और आज की वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कि आप लोग अपने फ़ोन के अंदर वायरलेस डीबगिंग को कैसे इंस्टॉल कर सकते हो। अभी सबसे पहले आप लोगों का ये क्वेश्चन होगा कि मैं वायरलेस डीबगिंग को क्यों यूज़ करूं। दरअसल वायरलेस डीबगिंग को यूज़ करने के बाद आप लोग एक खास टाइप के ऐप का यूज़ कर सकते हो जिसको कहते हैं LADB, और वो LADB आप लोगों को हेल्प करेगा ADB के कमांड्स को फ़ोन के अंदर रन करने के लिए। जिनके पास कंप्यूटर नहीं है और उनको ADB के कमांड्स अपने फ़ोन के अंदर रन करने हैं, तो उनके लिए सबसे बेस्ट ऐप होता है LADB। अभी मैं आपको सबसे मेन ऑब्जेक्टिव बता दे रहा हूँ, लोग LADB का यूज़ क्यों करते हैं ज़्यादातर। दरअसल आपके फ़ोन के अंदर कंपनी ने बहुत सारे ऐसे ऐप्स को डाल के रखा होगा जो आपको नहीं चाहिए। जैसे कि आपके फ़ोन के अंदर बहुत सारे ब्लोटवेयर्स होंगे जो आपको चाहिए नहीं, वो आप अनइंस्टॉल भी नहीं कर सकते। जैसे कि ये यहाँ पे योगी जी ने फ़ोन दिया है हम लोगों को, ठीक है। इसके अंदर देख सकते हैं कि डिजी शक्ति नाम से ऐप है। अगर मैं इसके ऊपर टैप कर दूँ, कोई अनइंस्टॉल का ऑप्शन नहीं दिख रहा है। अगर मैं यहीं पे KOO ये वाला जो ऐप है इसके ऊपर टैप करूँ तो अनइंस्टॉल का ऑप्शन भी दिख रहा है। तो ये डिजी शक्ति हमारा क्यों नहीं इंस्टॉल हो सकता? क्योंकि एक ब्लोटवेयर है, ये हमारे फ़ोन के अंदर प्री इंस्टॉल मिला है हमको और ये फ़ोन के अंदर ही रहेगा, इसको अनइंस्टॉल नहीं किया जा सकता। अगर मेरे पास कंप्यूटर है तब तो मैं ADB का कनेक्शन बना के कर दूंगा, पर अगर मेरे पास कंप्यूटर ही नहीं है तो मैं कैसे करूंगा, ठीक है। तो उसके लिए हमें यूज़ करना होता है LADB का, जो कि हमें एक ADB शेल को मतलब यूज़ करने में मदद करता है, ठीक है। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं LADB का यूज़ करना। सबसे पहले आपको क्या करना होगा, आपको चले जाना है पिन कमेंट में, वहाँ पे LADB की APK की लिंक होंगी, उसको जाके वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है। मैंने डाउनलोड कर रखा है, देखिए मेरे पास दो है LADB, यहाँ पे देख पाओगे आप लोग। आपको आपके फ़ोन के हिसाब से करना है, ठीक है। अगर आपका फ़ोन 64 बिट का है तो आप लोग ऊपर वाला कर सकते हो, 32 बिट का है तो नीचे वाला कर सकते हो। अगर आपको नहीं पता कि मेरा फ़ोन कौन सा है तो आप लोग दोनों को एक एक बार इंस्टॉल करके देख सकते हो, जो चल जाए वही आप लोगों के लिए सही है, ठीक है। और मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ कि ये जो LADB वाला फंक्शन है ये ज़्यादातर वर्क करता है लेटेस्ट डिवाइसेस में, मतलब जो कि एंड्रॉयड 11 के ऊपर चल रहे हैं डिवाइस उनके ऊपर ही LADB वर्क करता है। कुछ नीचे के डिवाइसेस हो सकते हैं जिनमें LADB का फंक्शन आ गया हो, बट ज़्यादातर केसेस में देखा गया है कि एंड्रॉयड 11 के डिवाइसेज में ही LADB को देखा जाता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर 64 बिट वाले को यहाँ से इंस्टॉल कर ले रहा हूँ, और आप लोग भी इसी टाइप से 64 बिट को इंस्टॉल कर लीजिए अगर आपका 64 बिट है, ठीक है। इंस्टॉल हो गया है, उसके बाद आपको क्या करना है, सेटिंग के अंदर चले जाना है। अभी आपके फ़ोन में अगर डेवलपर ऑप्शंस नहीं आ रहा है, आपका फ़ोन कोई भी कंपनी का हो, मेरा फ़ोन सैमसंग कंपनी का है, आपका फ़ोन कोई भी कंपनी का हो, आपके फ़ोन में अबाउट फ़ोन में जाइए और सॉफ्टवेयर इन्फॉर्मेशन में जाइए, बिल्ड नंबर के ऊपर। इस बिल्ड नंबर के ऊपर कम से कम आपको 6-7 बार टैप करना है। देखिए मेरे में टैप्ड है पहले से ही, तो ये बता रहा है तुम पहले से डेवलपर हो, तुम अब डेवलपर नहीं बन सकते हो, ठीक है। अगर आपका फ़ोन MI का है, मान लीजिए एक एक्सेप्शन केस बता रहा हूँ, MI का है, तो आप लोग अपने सॉफ्टवेयर इन्फॉर्मेशन के पास जब जाओगे ना तो वहाँ पे MIUI वर्जन लिखा होगा, तो आपको MIUI वर्जन को 10-15 बार टैप करना होगा या 6-7 बार टैप करना होगा, तब आपका डेवलपर ऑप्शन आ जाएगा। और मेरा डेवलपर ऑप्शन यहीं बाहर आ रहा है, कुछ फ़ोन के डेवलपर ऑप्शन आपको अंदर किसी सेक्शन के अंदर मिलेंगे। अगर आपके फ़ोन के अंदर सर्च वाला ऑप्शन है तो आप लोग सर्च कर सकते हो, डेवलपर ऑप्शन इनेबल करने के बाद डेवलपर ऑप्शन कहाँ है वो बता देगा, या तो गूगल के ऊपर जाकर के अपने फ़ोन के लिए डेवलपर ऑप्शन कहाँ मिलेगा वो देख सकते हो, ठीक है। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। यहाँ डेवलपर ऑप्शन मेरा इनेबल हो गया, इसको मैं टैप करता हूँ, और उसके बाद यहाँ पर देखिए मेरे पास USB डीबगिंग है। ये USB डीबगिंग हमें अभी ऑन करने की ज़रूरत नहीं है, क्यों? क्योंकि हम लोग कंप्यूटर से कनेक्शन नहीं ले रहे हैं। USB डीबगिंग कंप्यूटर की USB से कनेक्शन के लिए USB डीबगिंग होता है, पर हम लोग वायरलेस डीबगिंग का यूज़ करने वाले हैं, तो यहाँ आपको ऑन करना होगा वायरलेस डीबगिंग को। देखिए मेरा ऑन है पहले से, इसके ऊपर अगर मैं टैप कर देता हूँ इस टाइप से, तो यहाँ पे देख पाओगे कि एक मेरा यहाँ से कनेक्टेड भी है। मैं इसको अभी क्या कर रहा हूँ, फॉरगेट, मैंने डिसकनेक्ट कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख पाओगे कि मेरा वायरलेस डीबगिंग कुछ इस टाइप से आ रहा है। अभी आपको क्या करना है, आपके फ़ोन के अंदर स्प्लिट स्क्रीन का फंक्शनैलिटी होगा। एंड्रॉयड 11 की ज़्यादातर डिवाइसेज में स्प्लिट स्क्रीन का फंक्शनैलिटी है। अगर आपके फ़ोन में स्प्लिट स्क्रीन का फंक्शनैलिटी नहीं है तो आप लोगों को क्या करना है, गूगल या फिर यूट्यूब पे जाना है, वहाँ पे लिखना है हाउ टू गेट स्प्लिट स्क्रीन APK, हाउ टू इनेबल स्प्लिट स्क्रीन इन माई फ़ोन, ऐसे करके लिख सकते हो, ठीक है। तो वहाँ पे वो लोग कोई ऐप आपको देंगे जिससे आप लोग स्प्लिट स्क्रीन को यूज़ कर सकते हो। आपको कैसे पता करना है कि आपके फ़ोन के अंदर फंक्शनैलिटी है या नहीं, देखिए यहाँ देखिए मेरे में ये वाला ऑप्शन आ रहा है ना, जिससे कि मैं अपने इस जगह को इस टाइप से कर सकता हूँ, मतलब अपने सारे फंक्शंस को देख सकता हूँ। अभी आपको क्या करना होता है स्प्लिट स्क्रीन जानने के लिए, जैसे ये है, ये आइकन आ रहा है ना, इसके ऊपर आप ऐसे टैप करोगे
तो यहाँ पे देखो क्या आ रहा है, ओपन इन स्प्लिट स्क्रीन व्यू। हो सकता है आपके में आए, हो सकता है आपके में ना आए। अगर आपके में नहीं आता है तो जैसा मैंने आपको बताया, YouTube या Google पे जाके स्प्लिट स्क्रीन APK का यूज कर सकते हो, वहां से आ जाएगा। ठीक है, ये बहुत जरूरी है, ये अगर नहीं आपका होगा तो आपका ये काम हो नहीं पाएगा। ठीक है, तो हमें क्या करना है, ओपन इन स्प्लिट स्क्रीन किया, बहुत बढ़िया। अभी आधे फोन में ये आ गया है और आधे फोन हमारा इस टाइप से, तो मुझे यहाँ पे जाना है LADB पे। यहाँ पे देख पाओगे कि मैं LADB को ढूंढ रहा हूँ, LADB मिल गया मुझे। अभी LADB जैसे ही आप लोग पहली बार ओपन करते हो, जैसे ये वाला APK आप पहली बार ओपन करते हो ना, यहाँ पे देखो पोर्ट और पेयरिंग कोड मांगेगा। अभी देखो मेरा जो APK है आप लोग उसको यूज़ करो, क्योंकि ये मेरा टेस्टेड है। अगर ये आपके में वर्क नहीं करता तभी आप गूगल पे दूसरे APKs को ढूंढना, बट आप मेरा यूज़ कर सकते हो क्योंकि ये मेरे द्वारा टेस्टेड और वर्क होता है, और इसकी लिंक भी आपको पिन कमेंट में मिली रही है। ठीक है, तो यहाँ आप देख पाओगे पोर्ट और पेयरिंग कोड मांग रहा है। आपको क्या करना है, जो वायरलेस डिबगिंग है ना, इस पे देखोगे यहाँ पे पेयर डिवाइस विद पेयरिंग कोड का ऑप्शन है, इसके ऊपर ऐसे टैप करोगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि वाईफाई पेयरिंग कोड यहाँ पे दिख रहा है, और यहाँ पे IP एड्रेस के पास देख सकते हो 45997 एक पोर्ट भी दिख रहा है। तो हमें क्या करना है, ये जो पोर्ट वाला ऑप्शन है ना, इस जगह पे हमें 45997 डालना है। ठीक है, पोर्ट के ऑप्शन पे क्या मैंने डाला देख सकते हो आप लोग, 45997। ठीक है, मैंने पोर्ट के ऑप्शन पे 45997 डाला और बैक किया मैंने, और यहाँ पे देख सकते हो ये जो वाईफाई पेयरिंग कोड है 136525 है ना, 136525, और यहाँ मैंने डाला। अब अगर आप लोग स्प्लिट स्क्रीन का यूज़ नहीं करते हो ना, तो ये जो कोड है आप लोग इसमें डालने से पहले ये बार बार चेंज हो जाएगा, तो आप लोगों को प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए आप लोगों को स्प्लिट स्क्रीन का यूज़ करना ही करना है। ठीक है, ये मस्ट है आप लोगों के लिए। ओके, तो अभी क्या है कि हम लोगों ने ये चीज़ें डाल दी हैं। अगर अभी मैं यहाँ से ओके कर देता हूँ, यहाँ पर आप लोग देख पाओगे कि मैं जैसे ओके करूँगा ट्राइंग टू पेयर आएगा, और अभी एक नोटिफिकेशन मेरे पास आ जाएगी जिसमें बताया जाएगा कि आपका ADB बिल्कुल सक्सेसफुली पेयर हो गया। देखिए यहाँ पे क्या लिख के आ रहा है, वेटिंग फॉर डिवाइस टू कनेक्ट, दिस मे टेक अप टू 2 मिनट, पर कोई दिक्कत नहीं है, इसको हम लोग थोड़ी देर के लिए वेट करने देते हैं और ये ऑटोमेटिक कनेक्ट हो जाएगा। कुछ लोगों में ये तुरंत कनेक्ट हो जाता है, अगर आपके में तुरंत नहीं कनेक्ट हो रहा और इस टाइप से ये प्रॉब्लम दे रहा है, देख सकते हैं आप लोग किस टाइप से आ रहा है, कुछ टाइम का ये मांग कर रहा है कि वेटिंग फॉर 2 मिनट आ रहा है ना। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले यहां देखना है, यहां पे देखिए पेयरिंग डिवाइस, यहां पे सॉरी पेयर डिवाइस यहां पे आ गया है, फिर भी यहां पे अभी तक कनेक्शन नहीं आया है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इस वाली ये जो APK है ना, इसको इस टाइप से देखिए, शेल इज डेड रीसेटिंग का ऑप्शन आ रहा है, तो मैं क्या करूंगा इसको इस टाइप से लूंगा और यहां से इसको कट कर दूंगा। ठीक है, मैंने कट किया। ओके, कट करने के बाद मैं क्या कर रहा हूँ, वापस से LADB को ओपन करता हूँ, और यहाँ पे देखिए वापस से इसी टाइप से टाइमिंग की कुछ मांग कर रहा है। ओके, कोई बात नहीं है, टाइमिंग की अगर मांग कर रहा है तो आपको क्या करना होगा, सिंपल से एक बार एरोप्लेन मोड को ऑफ ऑन कर देना यहाँ से, और ये जो आपका वाईफाई है ना ये ऑटोमेटिक ऑफ हो जाएगा जैसे एरोप्लेन मोड ऑन होगा। आपको वापस से वाईफाई को ऑन करना है। ठीक है, वाईफाई वापस से आपका ऑन हो गया। ठीक, जब आपका वाईफाई ऑन हो जाएगा तो आपको जो अंदर वायरलेस डिबगिंग वाला फीचर है ना वो बंद हो गया होगा। तो आपको क्या करना है, सेटिंग में जाना है, ये देखिए बंद हो गया है, इसको आपको ऑन कर लेना है यहाँ से, और जैसे ही आप लोग इसको यहाँ से ऑन करोगे ना, और उसके बाद ऑन करने के बाद अगर आप लोग यहाँ पे आओगे तो अभी कुछ ही सेकंड्स के अंदर आप लोगों को देखने को मिलेगा कि ये ऑटोमेटिक कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसमें ज़्यादा प्रॉब्लम लेने की ज़रूरत नहीं है अगर ये उसके बाद भी आपका कनेक्शन नहीं लेता है। कई लोगों में ये प्रॉब्लम आती है, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं इसी वक्त यहाँ पे आपको सामने दिख रहा होगा कि ये प्रॉब्लम आ रही है बार बार LADB के अंदर, कि यहाँ पे देखिए एक बार मैंने वो काम भी कर दिया बट फिर भी ये अभी तक कनेक्शन नहीं ले पाया है। अगर मैं इसको कट कर दूँ और मैं सारे ऐप्स को जो भी बैकग्राउंड में मेरे चल रहे हैं मैं सबको बंद कर दूं और वापस यहाँ पे LADB को ओपन करता हूँ, तो भी यहाँ पे देख सकते हैं मेरे में वही प्रॉब्लम बार बार आ रही है। ठीक है, तो उसके लिए मैं आपको एक खास चीज़ और बताता हूँ, आप लोग क्या कर सकते हो इसके लिए, सिंपल से इस LADB को वापस से यहाँ पे जाओ और इसका जो डेटा है ना, इसके डेटा को वापस एक बार क्लियर कर दो। यहाँ पे देख पाओगे स्टोरेज लिखा है, यहाँ से मैं क्लियर डेटा कर दे रहा हूँ इसका। ठीक है, क्लियर डेटा करने के बाद वापस से आप लोग LADB के ऊपर ऐसे टैप करोगे, फिर से यहाँ पर डालने के लिए आएगा ऑप्शन, और आपको एक बार वही काम को दोबारा करना है। ठीक है, मुझे पता है कि थोड़ा सा प्रॉब्लम आप लोगों को लग रहा होगा कि यार अभी मैंने किया मैं वापस से क्यों करूँ वही एक काम, बट कई बार ऐसा हो जाता है ADB के अंदर, कई बार इस टाइप के ग्लिचेज आ जाते हैं जिसकी वजह से लोगों को कई बार प्रॉब्लम होती है। ठीक है, तो आपको वही काम एक बार यहाँ पे दोबारा करना है। यहाँ पे देख पाओगे वायरलेस डिबगिंग का ऑप्शन है, इसके ऊपर टैप किया, यहाँ पे देखिए ये कनेक्शन यहाँ पे दिखा रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कनेक्शन दिखा नहीं दीजिए,
पेयर डिवाइस पेयरिंग कोड करिए। यहाँ पे देखिए पेयरिंग कोड का एक ऑप्शन यहाँ पे आ रहा है ना, तो मैं पेयरिंग कोड को यहाँ पे पहले डाल दे रहा हूँ 8787661। ठीक है, यहाँ पे मैंने इस टाइप से डाला 6611। ठीक है, यहाँ पे मैंने इस टाइप से डाला और यहाँ पे 37485। ठीक है, 37485 मैंने यहाँ पे डाला और ओके कर देता हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं ट्राइंग टू पेयर हो रहा है फिर से ये, और मैं अब की बार वेट कर रहा हूँ, देखते हैं कि ये कितनी देर में होगा। और यहाँ पे देख सकते हैं वायरलेस डीबगिंग कनेक्टेड। ठीक है, जैसे ही आपका वायरलेस डीबगिंग कनेक्टेड यहाँ पे आ जाएगा तो ये शेल कमांड के ऊपर आपको टाइप करने के ऑप्शन देखने को मिलेंगे। जैसे शेल कमांड के ऊपर आप लोग कुछ भी लिख सकते हो, और जब आप लोग ये लिखने के कैपेबल हो जाओगे तब आप लोग शेल के ऊपर कोई भी कमांड डाल के अपने काम कर सकते हो। याद रखना ADB शेल के कमांड से यहाँ पे वर्क करेंगे, ADB डिवाइसेस लिख के जो कमांड होते हैं वो नहीं, शेल के ही कमांड से आप लोग अपने ब्लोटवेयर्स को हटा सकते हो। ठीक है, अगर आपको जानना है कि आप लोग अपने फोन से कैसे ब्लोटवेयर्स को हटा सकते हो शेल कमांड की मदद से और इसके आगे के प्रोसेस से, तो आप लोग क्या कर सकते हो, आई बटन के ऊपर वीडियो आ रही है उसको जाके देख सकते हो, या फिर ये वीडियो एंड होने के बाद भी आपको एक वीडियो मिल जाएगी इसी जगह पे, आप लोग उसको भी देख सकते हो। ठीक है, वहां पे मैंने बताया कि कैसे आप लोग ब्लोटवेयर्स को हटा सकते हो। ओके, और मेरा एक और चैनल है, डिस्क्रिप्शन में जाके प्लीज उसको भी सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। ठीक है, आई होप सो कि ये वीडियो में आप लोगों को मजा आएगा, वीडियो में मजा आया, कुछ इन्फॉर्मेटिव आप लोगों ने सीखा हो, तो प्लीज चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दीजिएगा। मैं अपने चैनल पे इसी टाइप के कमाल कमाल की वीडियो डालता रहता हूँ, मैं गेम हैकिंग सिखाता हूँ और भी कमाल कमाल के एंड्रॉयड के ट्रिक्स और टिप्स बताता रहता हूँ। तो मिलते हैं हम लोग अपनी अगली कमाल की वीडियो में।